हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रबाब मैन। और आज आपका लेसन जो है वो उस सॉन्ग का है कि जिसका रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिसने इस गाने का बी मारा है, कोई फरियाद का, उसका नाम भी बी से शुरू होता है। लेकिन गाना बहुत खूबसूरत है, कोई फरियाद बाय जगजीत सिंह, और ये रबाब पे इंतहाई खूबसूरत लगता है। सो शुरू करते हैं अपना लेसन। ओके जी, अब ये सॉन्ग कोई फरियाद प्ले करने के लिए फर्स्ट फॉर्म मेक श्योर कि आपका रुबाब ट्यून में है, जो कि है डी जी सी, ठीक है। जो एक्चुअल गाने की जो स्केल है, ठीक है, उससे ये चेंज है, क्योंकि अभी मैं करंटली जो मेरे रुबाब के जितने भी जो सॉन्ग्स हैं वो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे हैं। लेकिन अगर आपने जो है वो इसके सुर उसके हिसाब से प्ले करना है जो एक्चुअल सॉन्ग है, तो आप मेरे जो थ्योरी लेसन्स हैं, ठीक है, थ्योरी लेसन्स आप मेरे देखें, उसके अंदर आपको जो है कि नाम है इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी कि आपने किस ट्यूनिंग पे जो है कैसे बजाना है। अभी हम लोग कोई फरियाद से शुरू करते हैं, ये पहले सुने। अभी किस तरह से इसके अंदर मैं डबल स्ट्रोक यानी मल्टीपल स्ट्रोक्स कर रहा हूँ, वो अभी आप ना करें। सिंपल इसका ये है कि ओपन डी से आए थर्ड, यहाँ पे अब सी प्ले में कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन सी है जो सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग है। तो अब सेकंड, थर्ड, फिर 3 2 0 3, फिर अभी इसके ना कोई मैं टैप, कोई पुल ऑफ, कुछ नहीं कर रहा, सिंपल सा प्ले कर रहा हूँ। इसे थोड़ी नॉर्मल स्पीड पे प्ले करते हैं। फिर से वही चीज, ठीक हो गया। और अगर इसे थोड़ा सा अंदर डिटेल्स अगर ऐड करें तो ये साउंड है। इसे मैं स्लोली एक बार प्ले करता हूँ। फिर अभी किस तरह से आएगा, पहले सिंपल वाला मैं प्ले करता हूं। ठीक, अब डिटेल के साथ इसे मैं स्लोली प्ले करता हूं। उसके बाद फिर वही चीज़ अगेन। ठीक हो गया, सो ये आपका पहला पार्ट हो गया। उसके बाद जो इसका अंतरा है ना 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 ना, अब वो किस तरह से आएगा, फर्स्ट फ्रेट से, सेकंड, इसे बल्कि सिंपल वाला पहले मैं प्ले करता हूँ। ठीक हो गया, अब नॉर्मल स्पीड पे। कोई चीज। अब इस नॉर्मल स्पीड पे करूं। ठीक हो गया। अब ये वही उसी बंदे का जो अंदाज़ है, ये वाला जिसने इसका बी मारा वही है, लेकिन है मेलेडी वाइज। अच्छा तो अब क्या अभी ज़रा ट्रिकी है। इसके अंदर जो है बीट के साथ जो है कि नाम है वो रुबाब का इसका इतना मज़ा नहीं है जितना इसका फील के साथ प्ले करना है। अभी किस तरह से इसे मैं स्लोली करता हूँ। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हूँ जैसे। दोबारा सुने। ठीक हो गया। अगर आपको ये भी तेज़ लग रहा है कि मैं अगर तेज़ी से प्ले कर रहा हूँ, तो इसका क्या सिनेरियो है कि आप YouTube के अंदर जहाँ पे आपकी वीडियो क्वालिटी चेंज होती है ना 1080p 720p, ठीक है, वहीं पे जो है वो वीडियो स्लो करने की भी ऑप्शन होती है। ठीक है, आप उसके थ्रू आप तेज़ या स्लो कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं तेज़ी से प्ले कर रहा हूँ तो आप वो जो है ट्राई कर सकते हो। अब फाइनली तो इस तरह से आपने कोई फरियाद प्ले करना है, नाउ डू प्रैक्टिस इट। आई होप आपको समझ आ गई कि आपने रुबाब पे कैसे कोई फरियाद प्ले करना है, नाउ डू प्रैक्टिस इट। और अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसे ज़रूर क्लिक करें। उसके साथ बेल आइकॉन होता है उससे ज़रूर क्लिक करें ताकि जो मेरे फ्यूचर अपलोड्स हैं आगे आने वाले वो आपको मिल जाएँ। और अगर आपको इस सॉन्ग के नोट्स चाहिए, जिस तरह मैं आपको हर वीडियो में बताता होता हूँ कि नोट्स बाय करने का तरीका ये है कि 750 रुपीज़ आपने पे करने होंगे और नंबर है 03466047711 ये लिखा हुआ आ रहा है। सो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।